दोस्तों, अगर आप लोग भी बैलेंस पिच में टीम बनाना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप लोग भी बैटिंग पिच में टीम बनाना चाहते हैं, लगातार प्रयास कर चुके हैं, बैट्समैन को एडवांटेज दे चुके हैं, बैटिंग पिच में बॉलर को एडवांटेज दे चुके हैं, यहां तक कि ऑलराउंडर को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना के देख चुके हैं, लेकिन फिर भी विनिंग नहीं हो रही है। लगातार प्रयास करने के बाद भी ड्रीम इलेवन के अंतर्गत विनिंग नहीं हो पा रही है, अर्निंग नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ये चीजें सीख पाएंगे कि ड्रीम इलेवन से सही तरीके से अर्निंग कैसे होती है, और अगर आप इन सही स्ट्रेटजी, इन सही जानकारियों को फ्रंट पर रखकर चलेंगे तो ड्रीम इलेवन के अंतर्गत आपकी विनिंग होने से कोई रोक नहीं सकता है। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप लोग यहाँ पे पिच देख कर टीम बनाना सीख सकते हैं, पिच कंडीशन को सही तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, और वो कौन से ऐसे स्ट्रेटजी हैं जिनको आप लोग ध्यान में रखें तो फिर ड्रीम इलेवन में विनिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कई कई बार आपने ड्रीम इलेवन में एंट्री करते हुए देखा होगा, सबसे पहले लिखा रहता है पिच, उसमें तीन ऑप्शन दिए होते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, बैलेंस। आखिर ये चीजों का मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है कि ड्रीम इलेवन के अंतर्गत आपको इन पिच पे परफॉर्मेंस आपको अपने प्लेयर को सही तरीके से चुनने में देनी है, क्योंकि बैटिंग पिच में जाहिर सी बात है बैट्समैन को वहां पे वेटेज उसका अच्छा मिलता है, बॉलिंग पिच में बॉलर को वेटेज अच्छा मिलता है, लेकिन बैलेंस पिच का क्या? बैलेंस पिच में भी दोस्तों यहाँ पे ऑलराउंडर को भी अच्छा वेटेज मिल जाए, क्योंकि बॉलर बैट्समैन दोनों चीजों को जब दोस्तों 50-50 एडवांटेज दिया जाता है तो वहां पे पिच बैलेंस हो जाती है। बैलेंस पिच में ऑलराउंडर हमेशा से अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग बैलेंस पिच में भी बैट्समैन को कैप्टन वाइस कैप्टन मान देते हैं। कई सारे लोगों को मानना है कि सिर्फ बैट्समैन जब छक्का मारेगा तभी ड्रीम इलेवन में विनिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विनिंग करने के लिए कई सारे तरीके मैटर करते हैं, कई सारी स्ट्रेटजीज मैटर करती हैं, और कहीं ना कहीं इन स्ट्रेटजीज से, इन तरीकों से ड्रीम इलेवन के अंतर्गत एक ह्यूज लेवल का अमाउंट विन होता है, एक ह्यूज लेवल का प्रॉफिट किया जा सकता है। और अगर आप इन तरीकों को समझ के जान के टीम बनाना चाहते हैं, इन स्ट्रेटजीज को भाप के आप लोग ड्रीम इलेवन में विनिंग करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन जानकारियों को आप लोग समझे जिनके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां ज्वाइन कर लें, जहां पे हम आप लोगों को बेहतरीन प्रेडिक्शन, जीएल टीम वगैरह देते हैं, जिसके माध्यम से आप लोग बेहतरीन तरीके से अर्निंग कर पाएंगे, बेहतरीन तरीके से विनिंग कर पाएंगे। और चैनल पर नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कभी कभी आप लोग टीम बनाते हुए क्या गलती कर देते हैं, आप लोग यहाँ पे दोस्तों बैट्समैन या ओपनर पे फोकस कर देते हैं। दोस्तों कभी भी टीम बनाते वक्त बैट्समैन या ओपनर पे बहुत अधिक आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर बैट्समैन आते ही दोस्तों परफॉर्म करने लगेगा तो वो आउट हो जाएगा, और ओपनर तो कभी भी आते हुए छक्के चौके नहीं मारता। पहले वो पिच को समझेगा, ग्राउंड को समझेगा, बॉल को समझेगा, उसके बाद जाके दोस्तों जब रन रेट चेस कर लेगा 10-20-15, उसके बाद जाके दोस्तों वो यहाँ पे छक्के चौके मारना स्टार्ट करता है। इसका मतलब ये है कि हमको मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन पे फोकस करके चलना है, लेकिन आप लोग ये काम नहीं करते हो। आप लोग ओपनर को बना देते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, फिर वहीं हार जाते हो। और दूसरी चीज, जो बिगनर है, जो स्टार्टिंग में ड्रीम इलेवन में आए अभी तक उन्होंने विनिंग नहीं की हुई है, आपके लिए ग्रैंड लीग या मेगा लीग खेलना रिस्की है। इसीलिए दो से अधिक टीम आप लोग ना बनाए, क्योंकि आप लोग जब तक मल्टीपल टीम नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग विनिंग नहीं करेंगे। और अगर आप बिगनर हैं तो अभी आप ग्रैंड लीग मेगा लीग तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बिगनर को ड्रीम इलेवन दोस्तों कहीं ना कहीं डाउन फ्रेम में ही रखता है। वो आपको जब तक आपसे पैसा नहीं कमा लेगा तब तक आपको विनिंग नहीं दिलाएगा। तो आप स्मॉल लीग हेड टू हेड और दोस्तों यहाँ पे जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो T10 के मैचेस होते हैं, आप लोग उन पे फोकस करो। वहां पे विनिंग लाखों में होती है, कोई कम पैसा नहीं, लाख रुपए वहां पे विनिंग लाखों में होती है। कमाओगे तो फिर आप लोग आराम से ग्रैंड लीग में टीम बना सकते हो। एक दिन की 20-20 टीम बना देना, एक टीम तो रैंक बना ही जाएगी। और इन तरीकों को समझ कर, इन तरीकों को जान कर ड्रीम इलेवन में विनिंग होती है, प्रॉफिट होता है। और जो लोग इन स्ट्रेटजीज को भांप नहीं पाते हैं, इन स्ट्रेटजीज को समझ नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं वही वो लोग हैं जो ड्रीम इलेवन में जाके लॉस कर जाते हैं और फिर भारी भरकम नुकसान अपना करवा बैठते हैं। तो यार, इन तरीकों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन जानकारियों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग इन तरीकों को नहीं समझ पाएंगे, इन बेसिक स्टेप्स को नहीं समझ पाएंगे, तब आप लोग ड्रीम इलेवन से कभी भी विनिंग नहीं कर पाएंगे। और इन बेसिक स्टेप्स में कहीं ना कहीं इन बातों को सामने लाना पड़ता है कि ड्रीम इलेवन से अर्निंग करने के लिए, ड्रीम इलेवन से विनिंग करने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, प्लेयर, पिच और स्टैट्स। अगर इन तीन चीजों को आप लोग पकड़ के चलते हैं, इन तीन जानकारियों को आप लोग समझ के चलते हैं, फिर ड्रीम इलेवन में आपको विनिंग करने से कोई रोक नहीं सकता है। कोशिश करें यहाँ पे, अगर पॉसिबल हो, बजट हो, तो मल्टीपल टीम लगाने का प्रयास करें, सिलेक्शन परसेंटेज अवॉइड करें और प्लेयर का स्टैट्स से फोकस करें। अगर आप लोग इन तीन चीजों को समझ लेंगे तो फिर ड्रीम इलेवन में आपको विनिंग करने से कोई रोक नहीं सकता है। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी।
चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहां पे आप लोगों को फाइनल टीम, जीएल टीम और ग्रैंड लीग की दोस्तों की स्ट्रेटजी और ट्रिक मिलती है, जिसमें आप लोग विनिंग कर पाएंगे, अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे।